यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर बवाल में चर्चित बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा की गिरफ्तारी को लेकर शहर भर में हलचल है। पुलिस ने मुख्तार बाबा के खिलाफ 3 और FIR दर्ज की हैं, जिसमें वादियों ने मुख्तार और उनके परिजनों पर राम जानकी मंदिर की मार्केट को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। जबकि बुधवार को मुख्तार बाबा को पुलिस कानपुर बवाल में शामिल मानकर पहले ही जेल भेज चुकी है। इस मामले में पुलिस ने उनके परिजनों पर भी FIR दर्ज की है। ऐसे में यूपी तक से बातचीत में मुख्तार बाबा के भतीजे आरिफ ने सफाई दी है कि हम पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं। हमें पुलिस और सरकार की जांच पर पूरा भरोसा है। वहीं आरिफ ने इस दौरान राम जानकी मंदिर की मार्केट जमीन कब्जाने पर भी सफाई दी कि मंदिर अलग है, मेरी बाबा बिरयानी की दुकान बिल्कुल अलग है। हमने इसके सारे कागजात DM ऑफिस में दाखिल कर दिए हैं, जो जांच होगी हमें मंजूर है। आप भी देखिए यूपी तक से खास बातचीत में क्या कह रहे हैं मुख्तार बाबा के भतीजे आरिफ। बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबा बिरयानी को काफ़ी चर्चित है, काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कि राम जानकी मंदिर की जमीन कब्जा कर ली है, बवाल में उनका हाथ है। इस मामले में उनके परिवार के लोगों को क्या कहना है हम सीधे ही पूछ लेते हैं। उनके भतीजे आरिफ हैं, वो खुद हैं। आरिफ जी, आपके बड़े ताऊ को गिरफ्तार किया गया है, कहा गया कि उन्होंने बवाल में हिस्सा लिया, राम की मंदिर पर कब्जा कर लिया, क्या कहना है? अरे बवाल में हिस्सा लिया, इसकी पूरी जांच निष्पक्ष जांच हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा मुझे कोर्ट पे और सरकार पे पूरा भरोसा है। एक जांच साफ होगी और क्लियर हो जाएगी बात। आपने फंडिंग की, जफर को फंडिंग की और कैसी, ये सब मीडिया रिपोर्टर भी आ रहे हैं कह रहे हैं, आपको क्या कहना है? कोई एविडेंस हो तो बताएं। और मैं बात कह रहा हूँ, जांच कर लीजिए, और थोड़ी कोई बात कह रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ ना, जांच कर लीजिए आप। जो भी फैसला आएगा हम लोग कबूल करेंगे उसको। आपका से भी पूछ लेते हैं कि उनके ऊपर राम जानकी मंदिर की जमीन को कब्जा लेके बाबा बिरयानी मार्केट बनाने का आरोप लग रहा है, ये क्या कहना है? मंदिर अलग है, बाबा बिरयानी अलग है। मंदिर अपनी जगह बिल्कुल सेफ है, आप देख लो आगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो भी देख ले आके, मंदिर है बिल्कुल अपनी जगह है। अब वहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्यों मंदिर है तो क्या बताया जाए। यार आप पे एहसानुल हक ने कराई है कि उनको दुकान तोड़वा के कब्जा कर लिया गया था उनके। मैं एहसानुल हक को जानता ही नहीं हूँ। मैं कौन एहसानुल हक है, मैं नहीं जानता हूँ। फिर वही बात, एक जांच करवा लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ एक जांच करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच कराइए। DM पास मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे सोमवार को, मतलब बाबा मार्केट के, उस पर आप देख लीजिए जाके। आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आपको मिल जाएगी रिपोर्ट कि मैंने अपनी बात क्या रखी है वहाँ पे। तो ये हैं बाबा बिरयानी के मुख्तार बाबा के भतीजे जो इनका कारभार देखते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन जांच कर ले, हम पे जो आरोप लगे हैं उसके सबूत हमने अपनी सफाई में DM को भी दिए हैं, जांच कर लें, जो जांच में दोषी हो वो हमको सजा दी जाए। रही मंदिर पे जमीन कब्जाने की बात, उनको कहना है कि मंदिर बगल में है, उसके देखे आके मंदिर पे हमने कोई कब्जा नहीं किया है, ये इनका कहना है। प्रशासन के अपने तर्क हैं, प्रशासन के अपने आरोप हैं, FIR हालांकि दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि अगर इन्होंने DM प्रशासन के पास हमने कागजात रखे हैं तो उन पर क्या इन्होंने अपने तर्क रखे हैं, ये भी गौर करने वाली बात है कि प्रशासन उन पे क्या फैसला करता है और जो FIR है उस पे जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।